नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। में हूं आपके साथ शिवानी पांडे। हरदोई पहुंचे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। राज्य मंत्री अतुल गर्ग के आधे घंटे के निरीक्षण के दौरान जनपद के स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का पसीना छूटता दिखा। आप भी देखिए हरदोई से हमारे संवाददाता मनोज तिवारी की एक खास रिपोर्ट। हरदोई में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री अतुल गर्ग अपने तय कार्यक्रम के अनुसार जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होंने भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानते हुए मरीजों को फल वितरित किए। शौचालय में गंदगी को देखकर मंत्री अतुल गर्ग ने जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई। बेड पर फटी चादर मिलने से उन्होंने नाराजगी जाहिर की। ऑक्सीजन प्लांट की हकीकत जानी और वार्ड में मौजूद स्टाफ नर्स ऑक्सीजन का लेखा जोखा मांगा, जो वो नहीं दे सकी, जिसको लेकर भी उन्होंने बेहद नाराजगी जाहिर की। राज्य मंत्री अतुल गर्ग को यहां बुखार के मरीज भी अधिक मिले। उन्होंने कहा कि जो खामियां पाई गई हैं उन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है और मामले में कार्रवाई की जाएगी। राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा कि बरसात व फसल खराबी से एक सब्जी में कमी आई होगी। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिन प्याज कम खाया जाए। स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं और डॉक्टर्स हैं, उन लोगों का कोई कार्य का परिणाम ही इस बात को स्पष्ट करता है कि 4000 लोग यहाँ रोज आते हैं, तो इस क्षेत्र की जनता को फिर भी यहाँ की स्वास्थ्य पर बहुत विश्वास है, तभी लोग यहाँ आते हैं, वरना ये लोग यहाँ आते ही नहीं। सर, कितने किस तरीके के बीमार ज़्यादा हॉस्पिटल में मिले हैं? मेरे को जो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर जो लोग संख्या आधे से ज़्यादा लोगों की जो संख्या है वो कल और परसों की है। इसका मतलब 2 या 3 दिन के अंदर लोग जो बुखार हो रहा है वो यहाँ आ रहे हैं और ठीक होकर के लगातार यहाँ से जा रहे हैं। सर, सफाई अभियान को लेकर सर क्या स्वच्छता को लेकर? क्योंकि मेरा पूर्व निश्चित आने का कार्यक्रम था, मेरे को ठीक ठाक नज़र आ रहा है, पर टॉयलेट की जो व्यवस्था है वो बहुत खराब आई है, इसको मैं बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे आज की खबर के साथ। नमस्कार।